सब्सक्राइब करें पंकज दवानिया चैनल को, इस लाल बटन को दबा के उस बेल आइकन को दबाएं सबसे पहले लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए। दोस्तों, मैं पंकज दवानिया आज संडे संडे कमेंट बॉक्स में आपके लिए कुछ कमेंट लाया हूँ, और देखते हैं हमारे किस किस व्यूवर के कमेंट हैं। और आप लाइक में कंजूसी करते हो, लाइक ज़्यादा करें और शेयर भी ज़्यादा करें, जिससे कि और ज़्यादा हमारे दोस्तों को, मिस्त्रियों को सहायता मिले। और देखते हैं पहला कमेंट। ये पहले व्यूवर हैं राजकुमार, कोयल से रेजिस्टेंस कनेक्शन कैसे होते हैं? सर जी, इस पर मैंने वीडियो भी बना रखी है, और आप एक फील्ड होती है उसमें से दो तार निकलते हैं, एक तार में आप रेजिस्टेंस लगा के, एक तार रेजिस्टेंस में लगाओगे, दूसरा तार रेजिस्टेंस का बाहर जाएगा, ठीक है जी। ये अगले व्यूवर हैं जदवीर, नाइस वीडियो सर। सर जी, हमारा 7.5 kVA का आर्मेचर रिवाइंडिंग करके बताएं सर, प्लीज सर। और वीडियो में हमारा नाम भी लिखकर बताएं जी, प्लीज सर। ठीक, हमें पता लग जाए कि हमारा कमेंट आप तक पहुंच गया। सर जी, हम मेरा नाम अजद वीर गौतम है, और मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, दिल से धन्यवाद। हमारा नाम वीडियो में ज़रूर बोलना प्लीज सर। सर, मैंने आपका नाम बोल दिया है, और आपके 7.5 kVA का आर्मेचर की वाइंडिंग मैंने गे रखी है वाइंडिंग करके, और उसमें क्या और पता करना है आपको उसके बारे में बताएं, तो मैं आपको उसके भी बताऊंगा। अगले भी बढ़े, अजय कुमार सर, दो फील्ड मोटा तार की और दो फील्ड बारीक तार वाली अल्टरनेटर, और एक ही फील्ड में मोटा और बारीक तार वाला अल्टरनेटर में, और उनके लोड और उनके वोल्टेज में क्या अंतर है? सर जी, जो एक साथ होती है और जो अलग अलग होती है, उसमें ज़्यादा कोई अंतर नहीं होता है, बस ये होता है कि उसमें थोड़ा सा वोल्टेज का कोई दिक्कत नहीं होती, पर लोड में थोड़ी सी कम ज़्यादा वैसी होती है। जब आप दोनों अल्टरनेटर लोगे, जब पता चलेगा, ज़्यादा फर्क नहीं होता है। विकेश कुमार, स्ट्रिपलिंग कैसे निकालते हैं और कैसे लगाते हैं? सर जी, स्ट्रिपलिंग पुलर से निकालते हैं, और ये हथौड़ी की जो पाइप होता है, पाइप रख के, और जब उससे हथौड़ी की सहायता से ठोकते हैं, बिल्कुल टाइट नहीं होनी चाहिए, ढीली होनी चाहिए, ज़्यादा ढीली भी नहीं, ज़्यादा टाइट भी नहीं, उस तरीके से ठोकते हैं। अगले व्यूवर हैं अमर कुमार गुप्ता, 7.5 kVA जनरेटर में वोल्टेज 120 मीटर आ रहा है, क्या करना पड़ेगा? जबकि फील्ड हो और आर्मेचर नया लगाया है। सर, उसमें पहले क्या दिक्कत थी, और आपने नया क्यों बांधा है? पहले फूक गया था, या डाटा वही डाला है, या आपने चेंज करा है? कुछ आजकल ज़्यादा मिस्त्रियों का ये हो रहा है कि डाटा सेम नहीं डालते हैं, और हमारे पास भी कमेंट काफ़ी आते हैं कि डाटा बता दो, डाटा बता दो। तो आप जो डाटा उसमें निकलता है वही डाटा डाला करो, जब डाटे में कोई दिक्कत नहीं होती, इतना आलकस नहीं होना चाहिए। तो आप कंफर्म कराएं कि उसमें क्या हुआ था पहले, और वो क्यों बांधा था, और क्या डाटा डाला है उसमें। नेम सेफी, आमिर सेफी सर, मैंने फील्ड बनाई थी, एक आपने जैसे बताया था मैंने वैसे ही बनाई, लेकिन लोड डालने पर वोल्टेज बढ़ जाता है, ठीक कैसे करें प्लीज सर बताएं। सर, आपका लोड जब डाले हो तो वोल्टेज बढ़ जा रहा है, तो आपकी जो मोटी वाली फील्ड में जो आपने टर्न डाले हैं वो ज़्यादा डाल दिए हैं, या गेज चेंज हो गया है उसका, तो आप उसका टर्न थोड़ा कम कर दो, तो आपका वो सही हो जाएगा। सचिन पांचाल सर, आप एक वीडियो ओल्ड स्ट्रिपलिंग कैसे निकालते हैं और न्यू स्ट्रिपलिंग कैसे डालते हैं, इस पर भी एक वीडियो बनाएं। सर, स्ट्रिपलिंग पर तो निकालने में और डालने में कोई दिक्कत नहीं है, आप पुलर की मदद से आराम से निकाल सकते हो, और एक पाइप की मदद से जो आपको उस पर फिट बैठ जाता है बीच में, क्योंकि उसका कास्टिंग का, उसका लोहे का बुश होता है, और किसी में ब्रेक चून का होता है, उस बुश पर रख के चोट मारोगे तो अंदर चला जाएगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती है।
सवेरा कुमार, सर रूटर को कैसे चेक करें कितना वोल्ट निकाल रहा है? सर आपके पास मल्टीमीटर होगा, मल्टीमीटर से जनरेटर स्टार्ट करके और उसके रूटर की जो स्लिपलिंग होती है, स्लिपलिंग पर दोनों पिन पर लगा के चेक करें कि कितने वोल्टेज दे रहा है वो। ऊपर से इसके तार हटा दें स्लिपलिंग के, ठीक है ना, और सेफ्टी के साथ करें क्योंकि इसके इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, करंट भी लग सकता है। योगेश कुमार, सर रूटर का वाइंडिंग डाटा बताएं दें। सर पहले उसमें क्या डाटा निकला है और सिंगल फेज थ्री फेज कोर क्या है, डाया क्या है और उसमें पहले क्या दिक्कत थी ये भी बताएं। राहुल कुमार, सर 7.5 KVA का अल्टरनेटर है, करंट 260 बता रहा है, उसे हमको 200 करंट चाहिए, क्या होगा? सर आपको 200 वोल्ट चाहिए, 260 दे रहा है, उसमें आप रेजिस्टेंस लगा लें और उसमें रेजिस्टेंस लगा के वोल्टेज कम ज़्यादा कर सकते हैं जितने आपको चाहिए, ठीक है जी, तो उससे आपके वोल्टेज कम हो जाएंगे। इलेक्ट्रिशियन प्रकाश, थ्री फेज जनरेटर में बूस्टर कहाँ होता है? मैं बूस्टर, अच्छे बूस्टर कहाँ होता है? सर आपका जो थ्री फेज का जनरेटर है उसमें बूस्टर आप चेक करो कौन से वाला है, डायोड वाला, चौक वाला, कौन सा है पहले ये बताएं। आशु राठौर, फील्ड सही है, डायोड सही है, करंट नहीं निकाल रहा है। सर आपका जो फील्ड भी सही है, डायोड सही है, तो आप अपना आर्मेचर चेक करें, आर्मेचर कितने वोल्ट दे रहा है, उसके बाद आपको पता चलेगा कि करंट क्यों नहीं निकाल रहा है, ठीक है जी। एमडी साकिर, जनरेटर में कंप्रेसर बनाता नहीं है। सर जनरेटर में कंप्रेसर नहीं बनाता तो उसके हेड के वाल चेक करो, हेड के वाल लीक होंगे तो पिस्टन भी खाली घूमेगा, उसमें रिंग भी नहीं होगा तो भी कंप्रेसर बना देता है, हेड के वाल सही कराओ और रिंग चेक करो। एनडी पंडित, यार न्यूट्रल का कनेक्शन भी तो बताओ, उसमें न्यूट्रल का तो लिखा ही नहीं। सर न्यूट्रल उसमें लिखा ही नहीं, न्यूट्रल का आपका कनेक्शन जिस तरीके से उसमें बताए हैं उसी तरीके से होगा और न्यूट्रल का जो डायरेक्ट आएगा वो सीधा ही बाहर निकल जाएगा। 360 बंगाली मिस्त्री, भाई अपना इंट्रो चेंज करो, उस मिस्टेक है। सर उसमें क्या मिस्टेक है और मैं दोबारा चेक करता हूँ आपको, मुझे सजेशन करने के लिए धन्यवाद। कुलदीप मौर्या, भाई हमारा अल्टरनेटर में सब सही है, करंट नहीं निकाल रहा है, अपना मोबाइल नंबर दो भाई, हम आपसे बात करना चाहते हैं भाई। सर आप उस मैंने काफ़ी वीडियो के रखी है, करंट नहीं निकाला तो क्या चेक करना चाहिए और यहाँ तक सही है तो इसके बाद क्या करना चाहिए, तो मैंने सारी वीडियो डाल रखी है, वो आप चेक कर सकते हो। और आपका जब डायोड आप कह रहे हो सब सही है तो आप डायोड फील्ड वील्ड सब चेक कर लो, तो जब सब ओके है तो आप ये चेक करें मोटी बारीक अर्थिंग तो नहीं हो रही, आपस में शॉर्ट तो नहीं हो रही, आपस में शॉर्ट होगी तो भी करंट नहीं निकालेगा, ये चीज़ हम चेक नहीं कर पाते हैं, तो आप इसको भी ध्यान से चेक करें, कोई अर्थिंग तो नहीं हो रही, अर्थिंग होगी तो भी करंट नहीं देगा। अगले व्यूअर है इंद्रजीत, सर मेरा टुल्लू मोटर बार बार जल जाता है, कारण क्या है बता दीजिए सर अर्जेंटली। सर आपका टुल्लू पंप है वो बार बार फूक जाता है, तो उसमें स्टार्टिंग कोयल फूकती है, रनिंग कोयल फूकती है या चारों कोयल फूक जाती है, कौन सी कोयल फूकती है तो ये कंफर्म कराएं। और बैरिंग जब ख़राब होंगे तो उसकी वजह से भी फूकती है, और जो आपका जो एम्पलर है वो टाइट होगा तो भी आपका ये फूक जाएगा, और कंडेंसर दिक्कत करेगा तो भी ये फूक जाएगा, तो आप चेक करो किसकी वजह से फूक रहा है। दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही था, और आप लोगों के कमेंट काफ़ी सारे थे, मैंने कुछ कमेंट ले पाया हूँ, और आप ज़्यादातर सब्सक्राइब करो जिससे कि मुझे आपके कमेंट दिखें और मैं उन्हें ले आऊँ और आपके भी सवाल का जवाब दूँ। तो जो भी नए व्यूअर हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और इस वीडियो में आपको कुछ भी मिस्टेक लिया हो उसके लिए सॉरी, और वीडियो में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और कमेंट करें, मैं इसमें आपको अगली वीडियो में जवाब दूंगा।